हेलो गाइस, चलिए मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँगी क्या आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे आपके लिए, क्या वो स्टैंड लेंगे आप दोनों की कनेक्शन के लिए, क्या वो स्टैंड लेंगे आप दोनों की कनेक्शन के लिए। द लवर्स, यस लवर्स के कार्ड निकल कर आए हैं, तो यस आपके पार्टनर स्टैंड तो डेफिनेटली लेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यस यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में बहुत से स्ट्रगल है, बहुत से अप्स एंड डाउन्स है। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत बार हार्ट ब्रेक फेस की है, या फिर आपके पार्टनर ने बहुत से चीज़ों को खोया है। इमोशनली ये बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है, और अभी आप दोनों में हो सकता है सेपरेशन हो, अभी आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो, और आप दोनों ही यहाँ पर लग रहा है कि अपने लाइफ में बिजी हो। ओके, और यहाँ पर आपके पार्टनर तभी आपके लिए स्टैंड लेंगे जब आप लोग सेम पेज पर आएंगे, जब आप खुद आपके लिए स्टैंड लेना सीखेंगे, आप खुद कोडिपेंडेंसी से बाहर आएंगे, तभी आपके पार्टनर डिवाइन की मर्जी से। यहाँ पर डिवाइन प्लानिंग मेनली रोल प्ले करी है लवर्स, मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर की मर्जी से कुछ हो रहा है, लवर्स मतलब ये नहीं कि आपकी मर्जी से कुछ होगा। जब तक आप खुद पर वर्क नहीं कर लेते हो, जब तक आप खुद डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में नहीं आ जाते हो, जब तक आप खुद अपने पार्टनर के साथ सेम पेज पर नहीं आते हो, या फिर आपके पार्टनर आप तक नहीं पहुंचते हैं सेम पेज पर, आप दोनों की वाइब्रेशन सेम नहीं होती है, वाइब्रेशन एंड एनर्जी, नॉलेज, विजडम, जब तक यहाँ पर अनकंडीशनल लव नहीं होती है, ट्रस्ट, सब कुछ जब तक बैलेंस नहीं होगी, तब तक यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आपके पार्टनर तब तक आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक इनकी अवेकनिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो जो कुछ भी होने वाला है, आपके पार्टनर का स्टैंड लेना, आप दोनों की रियूनियन होना, सब कुछ डिपेंड करता है आप पर। तो आप सबसे पहले खुद को बैलेंस्ड एनर्जी में लाओ, अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, खुद इंडिपेंडेंट बनो, और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, को डिपेंडेंसी से बाहर आओ। ओके।